विद्येयाः परमादराः नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली अमीन, आईपीडी इंचार्ज माधवबाग हॉस्पिटल खोपोली। माधवबाग के प्रेरणा स्थान वैद्य माधव दत्तात्रेय साने इनके 40 साल के यशस्वी चिकित्सा अनुभव के बाद माधवबाग हॉस्पिटल खोपोली 2006 में शुरुआत हुआ। माधवबाग विश्व की एक पहली संस्था है जहां पे हृदय रोग के लिए पंचकर्म ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है। पूरे भारत भर माधवबाग के 160 ओपीडीज हैं, यानी बाह्य रुग्ण विभाग हैं, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट या अंडर ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट के लिए दो हॉस्पिटल सेंटर्स हैं, खोपोली और कुंडाली नागपुर में। रुग्ण सेवा का स्तर ऊंचा रखने के लिए खुद की फार्मेसी कंपनीज हैं जहां पे आयुर्वेदिक औषधियाँ तैयार की जाती हैं। सातारा महाराष्ट्र में और खोपोली में ये दो फार्मेसी सेंटर्स हैं जहाँ पे खुद के औषधि हम बनाते हैं। डॉक्टरों के लिए MIMER इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की स्थापना की गई, जिसके द्वारा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट सोसाइटी को जागरूक करने के लिए बनाया गया। माधवबाग चिकित्सा केंद्र का मेन कंसेप्ट है द संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। वॉल्यूलर हार्ट डिसीज, इस्केमिक हार्ट डिसीज, कार्डियोमायोपैथी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, इन विविध हृदय रोगों के लिए संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण नाम का पंचकर्म ट्रीटमेंट किया जाता है। ये महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है जिसमें बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, इन इन्वेजिव प्रोसीजर्स के लिए एक पर्याय दिया जाता है, जिसके कारण पेशेंट में कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप होने के बाद एक्सरसाइज टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर इसकी तुलना हम अगर इन्वेजिव प्रोसीजर्स के बाद पेशेंट में होने वाले बदलाव को अगर हम देखें, तो इनकी इम्प्रूवमेंट लगभग कम दिनों में ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के बहुत ज़्यादा मिलती है। पेशेंट के हृदय की कार्यक्षमता को समझने के लिए माधवबाग में स्ट्रेस टेस्ट की जाती है, और स्ट्रेस टेस्ट पे जो कुछ मेट्स या स्ट्रेस टेस्ट पे हमें जो कुछ हृदय की कार्यक्षमता समझी जाती है, उसी के हिसाब से या उसी के अनुसार रुग्ण का चिकित्सा उपक्रम निश्चित होता है। और चिकित्सा उपक्रम पूर्ण होने के बाद इसी टेस्ट के जरिए से हमें ये समझ में आता है कि पेशेंट के हृदय की कार्यक्षमता कितनी बढ़ चुकी है। मेरा नाम अजीत चंद्र जगन्नाथ शाह, मैं माधवबाग में ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मेरे को यहाँ आके बहुत बड़ा लाभ मिला है कि मेरे को पहले चलने में छाती में बहुत दर्द होता था और छाती भर के आती थी, या 5 दिन के ट्रीटमेंट से मेरी छाती एकदम क्लियर हो गई और बहुत अच्छा दर्द भी नहीं होता है और बहुत मेरे को बहुत आराम। संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण नाम की पंचकर्म ट्रीटमेंट हृदय रोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माधवबाग की ट्रीटमेंट 6 दिनों का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसमें कार्डियक एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, बैलेंस्ड कार्डियक डाइट अलोंग विद संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण नाम की पंचकर्म ट्रीटमेंट की जाती है। इसका उपयोग है कोलेटरल फॉर्मेशन जो पेशेंट में बढ़ता है। हृदय रोग और मधुमेह की चिकित्सा हेतु कुछ ऐसे क्वाथ और काढ़े बनाए गए हैं जिसके द्वारा हृदय की ताकत बढ़ सकती है, मधुमेह ब्लड शुगर लेवल कम कर सकती हैं, जैसे माधवारिष्ट जो हृदय की ताकत बढ़ाता है। कुछ ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है नैनो जेल जो एब्डोमिनल गर्थ या पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम करती है। बेसिकली माधवबाग कार्डियक रिहैबिलिटेशन फोकसेस ऑन द नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज। हृदय रुग्णों के लिए बिना ऑपरेशन द्वारा एक्सरसाइज टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की जाती है, जिसमें पेशेंट के कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप किए जाते हैं। द मेन मोटो ऑफ माधवबाग ट्रीटमेंट इज द रिहैबिलिटेशन, आपका पुनर्वसन करना। द पेशेंट हु हैव ऑलरेडी अंडरगॉन एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी कैन जॉइन द रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव द एक्सरसाइज टॉलरेंस कैपेसिटी। माधवबाग की संपूर्ण हृदय चिकित्सा मायोकार्डियल परफ्यूजन को बढ़ाती है, जिसके कारण पेशेंट का एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ता है और वो अपना रूटीन काम बहुत आराम से कर सकता है। मोर देन 10 लाख पीपल ऑफ हार्ट डिसीज हैव अंडरगॉन द प्रोसेस ऑफ संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण एंड दे हैव शोन अ बेटर इंप्रूवमेंट इन देयर एक्सरसाइज टॉलरेंस कैपेसिटी एज कम्पेयर टू द इन्वेजिव प्रोसीजर। पेशेंट के 160 बाह्य रुग्ण विभाग पूरे
स्पेक्ट्रम में हैं और इमरजेंसी पेशेंट्स की सुविधा के लिए 2 आईपीडी सेंटर्स खोपोली और कुंडाली में हैं। द हर्बर formulations prepared for treating the heart disease, they lower down the cholesterol levels, the high triglycerides level, the medicines used in diabetic patient, they normalize the raised blood sugar level in the patients, the products like SM card capsule, ARJ extract, Madhav Arishta, these maintain the normal blood pressure of the patients. Madhav Bag का उद्देश्य है कि भारत भर के लोगों के लिए बाह्य रुग्ण सेवा पूरे देश में उपलब्ध हो और इमरजेंसी हृदय रोगियों के लिए ट्रीटमेंट के लिए अंतर रुग्ण सेवा भारत के हर एक कोने में हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस इन द सोसाइटी अबाउट द बैलेंस कार्डियक डाइट विद मॉनिटर्ड कार्डियक एक्सरसाइज। माधव बाग के कई रिसर्च पेपर्स और पेपर प्रेजेंटेशंस दुनिया कॉन्फ्रेंसेस में जैसे लैंसेट जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, वर्ल्ड कार्डियोलॉजी कांग्रेस में प्रसिद्ध हुई है। मुंबई के प्रसिद्ध वैद्य माधव साने, इनका सपना था कि हृदय रोगियों के लिए एक अस्पताल बने। आगे जाके वैद्य रोहित साने, इन्होंने ये सपना पूरा किया और खोपोली में 30 बेडेड हॉस्पिटल से शुरुआत की। नमस्कार। शरीर की उत्पत्ति जिन पंच महाभूतों से हुई है, जैसे अर्थात आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी, आप, इन पंच महाभूतों की शरीर में स्थिति समावस्था में रहने के लिए हमें पंच महाभूतों की पूजा करना या उनके प्रति अपने भक्तिभाव को प्रकट करना आवश्यक होता है। उसी के लिए माधव बाग ने पंच महाभूत मंदिर की उत्पत्ति की है और उसी में रुग्ण होम हवन करके अपनी मानसिक स्थिति को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं।